है। मेरी नजर में यह सिर्फ एक रैली नहीं, ये आने वाले इलेक्शन का रेफरेंडम है। हमने इसी जिले में बलावल भुट्टू को आते हुए भी देखा है, इसी जिले में नवाज शरीफ को आते हुए भी देखा है, मगर जो इस्तकबाल, जो जोश और जो बलबला आज आपकी रैली में देखा है, हमने उस वक्त नहीं देखा है। आज की इस रैली से साबित होता है कि 2020 के इलेक्शन में एक नया आपके पास खालिद खुर्शीद की शक्ल में अस्तौर दियामल डिवीजन की सदारत मौजूद है। एक सियासी कारकुन अपनी मेहनत से अपने इलाके को अपनी जाती मेहनत से इज्जत ला सकता है, फिर उस इलाके की जिम्मेदारी होती है कि अपने उस पढ़े लिखे नुमाइंदे को। पाकिस्तान तहरीक इंसान हल्का वन हल्का दो जीतने वाले हैं के तौर पे आप लोगों ने पेश करना है, क्योंकि अस्तौर अमन की सरजमीन है, अस्तौर मोहब्बत की सरजमीन है। ये वो वाहिद खत्ता है, ये वाहिद इलाका है जहां तमाम मसालिक इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ। जब शुरू में चली पाकिस्तान में 1996 में, तो शायद ही चंद गिने चुने चार पांच लोगों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसमें जज्बा और अजम था, वो कहता था कि हम हुकूमत भी बनाएंगे इस पाकिस्तान के करप्ट निजाम को। और जितनी तकरीर में पार्टीज का नाम, या ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये माफिया है, ये गुंडे हैं, इन्होंने हर इदारे पे अपनी जड़े डाली हुई है, ये माफिया है। इस माफिया को एक शख्स ने कहा हम शिकस्त देंगे, फिर अपने साथियों को कहता था कि तुम सदर बनोगे, तुम गवर्नर होगे, तुम मिनिस्टर होगे। और वो साथी आज भी, आज उनको वो होते मिले और आज भी वो तकरीर में कहते हैं, और उसका अजम, ये मैं जो आपसे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो यकीन होता है और अजम, फिर उस अजम और यकीन पे आप मेहनत करें, उस रास्ते पे चले उसूल के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आप अपने रास्ते के बीच से हर पहाड़ को, पत्थर को नहीं, हर पहाड़ को हटा सकते हैं। और ये एक और बात मैं बताऊं, खान साहब की वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजिम है। कि मिशन माफिया का दौर खत्म हो चुका। आज की इस तारीखी रैली ने जिला स्तर में ये अलार्म बजा दी है कि 2020 का इलेक्शन BTI हल्का वन हल्का टू में इंशाल्लाह आपके टाउन से क्लीन स्वीप करेगी। वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के करप्ट नाज़िम कान खोल के सुन ले, हमारी सियासत इलेक्शन जीत के डीसी से डीजल की चिट लेने की नहीं है। हमारी सियासत जीत के एक्सीएम के जूते चाट के भाइयों को ठेके देना नहीं है। वो भाई सदर सैयद जाबिर शाह साहब, हमारे गवर्नर राजा जलाल साहब और हमारे हर डिवीजन के जो सुदूर है, उनकी क्यादत में सीसा फिलाके फारिग कर दे। हमें एक सीसा फिलाई त्योहार है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा है, आने वाला वक्त आपका है। आप लोगों ने अपने वोट को बल्ले पे ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा इस्तेमाल करें। नसरू से नसरू मिला के दिया।
वो पूरी कोशिश दबाए, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे कारकुनों को, तेरी इंसाफ के जियादों को, जो आपसी तब्दील आई हुई मार की तरह उन नरासिर का मुकाबला जी को ये एतराज है, इनके गिराने को ये एतराज है। हाजी इनायत महरूम, शायद आप जवान हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं।